दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। मैं बस 5 मिनट लेट हो गया भाई, क्या बताऊँ। अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि क्यों मैंने इंस्टॉल नहीं किया। फाइल डाउनलोड करने के बाद भी मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, आप सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। हेलो दोस्तों, टेक्नो शुभम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फाइनली आज रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में MIUI 12 का अपडेट आ चुका है। दोस्तों मैंने MIUI 12 से रिलेटेड एक वीडियो आज सुबह अपने चैनल पे अपलोड किए, फुल डिटेल में उससे मैं बताया कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आया है कब आया, सब कुछ बताया है, प्लस डाउनलोड करके आपको दिखाया भी है। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें एंड आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ आई कार्ड में वो वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको बता दूँ, MIUI 12 का अपडेट तो आ गया बट उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ गई है। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि अभी तो सारे Redmi Note 9 Pro Max के यूज़र को MIUI 12 का अपडेट नहीं मिला, बट जितने लोग को मिला था कल रात को दोस्तों ये अपडेट आया और सुबह तक गायब हो गया। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे कमेंट आए इसी से रिलेटेड, मैं कुछ कमेंट आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। उसमें दोस्तों लोग ऐसा बता रहे हैं कि शाम को उन्हें अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया था, शाम को किसी को मिला, किसी को रात में मिला, मुझे खुद रात को 10 बजे मिला था। तो जो लोग अगर तुरंत वो अपडेट डाउनलोड कर लिए उनका तो ठीक है, मैं भी तुरंत डाउनलोड कर लिया, मेरा तो हो गया, मेरे पास सेफ फाइल पड़ी है। बट जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो सोचे सुबह करूँगा, सुबह तक वो अपडेट गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं इसके लिए आपको कुछ बता दूँ। ये मेन होता है कि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, एक साथ सबको अपडेट नहीं दिया जाता, प्लस कुछ कुछ टाइप पे ये अपडेट रोल आउट किया जा रहा है, फिर उसके बाद हटा दिया जा रहा है। मतलब उस टाइम में जितने लोग चेक किए और डाउनलोड किए उनको तो ये अपडेट मिल गया, बाकी जो चेक किए प्लस डाउनलोड नहीं किए उनके फ़ोन से ये अपडेट चला गया। अब बात करते हैं जिसके फ़ोन से ये अपडेट आके चला गया उसको ये अपडेट कब मिलेगा। तो उसको दोस्तों ये अपडेट 2 से 3 हफ्ते के अंदर आराम से मिल जाएगा। हो सकता है आपको परसों ही मिल जाए या हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए, ये 3 हफ्ते तक आपको ये अपडेट वापस से मिल जाएगा। तो कई लोग यार कमेंट में बहुत निराश हुए कि भाई मेरे में अपडेट आया प्लस वो वापस चला गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक भाई ने तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी किया, वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे। तो भाई मैं सबको बता दूं कि आपको सैड होने की या प्रॉब्लम या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपडेट आया है, ये हमेशा के लिए नहीं गया है, फिर आपको अभी कुछ दिन में मिल जाएगा। आप कुछ दिन वेट करिए, आप 2-3 हफ्ते का वेट करिए, उसके अंदर आपको ये अपडेट मिल जाएगा वापस से। जब भी आपको ये अपडेट मिले, नोटिफिकेशन आए, तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए। भले आप उसको 1-2 दिन बाद इंस्टॉल करिएगा लेकिन तुरंत डाउनलोड करके रखिए ताकि आपके पास वो फाइल सेफ पड़ी रहे। मैं भी कल रात को अपडेट आया, मैंने तुरंत डाउनलोड कर लिया लेकिन अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। अभी मैं आप लोगों के आँखों के सामने इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करूँगा और प्लस दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है इसको फुल इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल में होता है अक्सर कि अपडेट ज़्यादा टाइम लेता है फ़ोन में, बट इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट को फ़ोन में इंस्टॉल करने पे कितना टाइम लगता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ, प्लस फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट किया हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट करते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा Redmi Note 9 Pro Max। यहाँ पे आपको मैं सेटिंग में जाके, फिर अबाउट फ़ोन में जाके, सिस्टम अपडेट में जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। मेरे साथ भी वही हुआ जो कई लोगों के साथ हुआ है कि ये अपडेट मेरे फ़ोन से चला गया है। बट यार यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहा, क्यों, क्योंकि मैंने ये अपडेट डाउनलोड कर लिया था अभी जस्ट 5 मिनट पहले, ये अपडेट मेरे फ़ोन से वापस चला गया है। अब देखिए ये सेटिंग मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से फिर मैं आता हूँ अबाउट फ़ोन में, अबाउट फ़ोन में सिस्टम अपडेट में चेकिंग करता हूँ। तो यहाँ पे चेक होता है, बताता है नो अपडेट अवेलेबल, ये दिखा रहे हैं MIUI 11.0.4.0, बट यहाँ दोस्तों अभी 5 मिनट पहले तक अपडेट था। और ऐसा कैसे हो गया मुझे नहीं पता, कल रात को ही मैंने ये अपडेट की फ़ाइल डाउनलोड कर ली थी भाई, 723 MB का ये फाइल था, मैंने पूरा डाउनलोड कर लिया। वो फाइल अभी भी यहाँ फाइल मैनेजर में है, जैसा कि मैं देखिए फाइल मैनेजर में आपको जाके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है ये देखिए, ये डाउनलोडर रूम में देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये फाइल देखिए दोस्तों, ये फाइल यहाँ पे है अभी भी, आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, प्लस 758 MB की फाइल साइज है। और डेट देखिए दोस्तों, ये आज का डेट है,
सुबह 2:15 पे ये फाइल मैंने डाउनलोड किया था, मतलब भोर में ही रात में मैंने ये फाइल डाउनलोड कर लिया था ताकि मैं सुबह इसको इंस्टॉल कर सकूं। अब मतलब अब सोच लीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये अपडेट मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद भी ये चला गया। यार ये ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ। मैं सोचा था कि अभी अगर आप अपडेट डाउनलोड नहीं करते हो तब वो 24 घंटे में चला जाता है, बट यहाँ तो डाउनलोड कर भी लिया मैं, बस इंस्टॉल नहीं किया और वो अपडेट चला गया। कल रात को 10 बजे मैंने चेक किया था तो वो अपडेट आया था मेरे फ़ोन में, और आज सुबह 10:30 तक ये अपडेट जा चुका है। मतलब 24 घंटे तक ये सिर्फ आपके फ़ोन में रहता है, तो 24 घंटे में अगर आपने ये अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया तब तो ठीक है, अगर सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ भी दिया, सोचा कि बाद में इंस्टॉल करूँगा, तब भी ये काम नहीं करेगा, ये अपडेट चला जाएगा। तो यार ये देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब देखते हैं कब ये अपडेट आता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला था आपको पूरा इंस्टॉल करके कि लाइव आपके सामने इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉलिंग का टाइम बताऊँगा, जस्ट 5 मिनट पहले अभी गया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, मैं बस 5 मिनट लेट हो गया। पहली बात तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये अपडेट डाउनलोड होने के बाद भी वापस चला जाएगा फ़ोन से। मैं ये जानता था कि ये अपडेट अगर आपके फ़ोन में आता है और आप अगर इसको डाउनलोड नहीं किए और इंस्टॉल नहीं किए तो ये अपडेट कुछ देर बाद चला जाता है, बट इसीलिए दोस्तों मेरे फ़ोन में कल रात को 10 बजे ये अपडेट आया, एंड मैंने कल रात को 10 बजे ये डाउनलोड पे लगा दिया था, लगभग 12-1 बजे तक ये डाउनलोड हुआ था क्योंकि नेट काफ़ी स्लो थी। तो ये अपडेट की फाइल अभी भी मेरे फ़ोन में सेव। तो जब ये दोस्तों डाउनलोड हो गया मेरे फ़ोन में तो मैं सोचा इसको मैं कल आप लोगों के सामने लाइव बैठ के पूरा इंस्टॉल करूँगा, सब कुछ आप लोग को दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी जब मैं इंस्टॉल करने के लिए गया तब तक वो दिखा रहा था, जैसे मैं कैमरा ओपन किया रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत ये दिखा रहा है कि नो अपडेट अवेलेबल। मैं देख के एकदम शॉक हो गया, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या हुआ। फिर मैं जाके फाइल मैनेजर में फाइल चेक किया तो फाइल भी मुझे मिला, वहाँ फाइल है 750 MB की, वही फाइल जो मैं कल डाउनलोड किया, डेट वही है, टाइम वही है, सब कुछ वही है, UI वर्जन भी वही है, सब कुछ दोस्तों वही है, बट ये अपडेट अब चला गया। वहाँ दोस्तों वहाँ पे रिबूट का ऑप्शन नहीं दिखा। मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया यार, मुझे बहुत बुरा लगा। यही मैं 5 मिनट पहले आधे घंटे पहले कर लेता तो मेरा अभी तक MIUI 12 का अपडेट इंस्टॉल हो गया होता। डाउनलोड करने के बाद भी नहीं इंस्टॉल हुआ तो यार बहुत मुझे बुरा लग रहा है। पता नहीं ये अपडेट कब आएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कब आता है। अब जब भी आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो भाई क्या बताऊँ, अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि क्यों मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मुझे इंस्टॉल कर लेना चाहिए था। चलो तो इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी अपडेट आए तुरंत डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लो, खासकर Xiaomi के फ़ोन में। ऐसा मत सोचो कि डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद ये रहेगा, हो सके तब भी चला जाए तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। मेरे साथ वही हुआ है, फाइल डाउनलोड करने के बाद भी मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, आप सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। तो आप भी यही ध्यान देना, जब भी आपको आगे नेक्स्ट टाइम अपडेट मिलता है तो तुरंत उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना आप, मैं भी आगे से वही करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कब आता है अपडेट, क्या होता है। यार दिमाग तो मेरा पूरा ख़राब हो गया। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा आपको इंस्टॉलेशन दिखाने वाला था और क्या हो गया। चलो अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।